हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप लोग? दुआ करता हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे हो। सो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं एक फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो। मैं एक बैचलर की तरह घर से बाहर रहता हूँ, सो मैं ऐसी मील्स प्रेफर करता हूँ जिसको बनाना बड़ा आसान हो, उसकी कुकिंग टाइम ज्यादा ना हो एंड मेरी प्रॉपर डाइट, मेरी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, सारी चीजें, कैलोरी रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो जाए। मैं 3.5 महीने दूर हूँ अपने कॉम्पिटिशन से। जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन है वो है एशियन चैंपियनशिप। इस चीज के लिए मैंने अपनी पूरी लाइफ ही डेडिकेट कर दी है। अगले 3.5 महीने मैं बस इसी चीज के बारे में सोचता हूँ। इसके लिए मैं अपनी एक प्रॉपर न्यूट्रिशन रखता हूँ। घर से दूर हूँ, खुद मैनेज करना पड़ता है, बट हो जाता है, क्योंकि बोलते हैं ना, जहाँ पे विल है वहाँ पे रास्ता भी बनते जाता है। अब यहाँ पे रहना भी जरूरी है बिकॉज काम करना है, बिजनेस करना है। बिकॉज द गोल वॉज ऑलवेज टू गिव अ वेरी गुड लाइफ टू माई पेरेंट्स। उसके लिए यू नीड ऑब्वियसली मनी। मनी डज गिव हैप्पीनेस, मैं बता रहा हूँ। पैसे से खुशी मिलती है मेरे भाई, अगर आपकी फैमिली को आप वो पैसा सही से यूज करके देते हो। ठीक है, तो लेट्स गो। अभी 8:30 इन द मॉर्निंग, बालकनी, दिस इज द व्यू मेरे फ्लैट से, और बढ़िया लगता है कि वेदर अच्छा है काफ़ी, है ना? पुणे में वेदर अच्छा ही रहता है। तो 8:30 बजे मैं उठता हूँ, ठीक है? उसके बाद फ्रेश वगैरह हो गया। अब आपको फर्स्ट मील, ऐसी मील जहाँ पे मैं सिर्फ 4-5 मिनट बनाने में लगते हैं, मैं फटाफट बना के उसको मिलता हूँ। सो दिस इज़ द रूम, और काफ़ी सही है, काफ़ी हमने ठीक ठाक मेनटेन किया हुआ है, आई थिंक बैचलर की तरह। और यहाँ पे हम कपड़े धोते हैं। तो दिस वीडियो इज ऑल्सो कि मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में थोड़ी बताऊँ। यहाँ पे कपड़े धो के ऐसे रखे हैं। सो गाइज, फर्स्ट मील ऑफ द डे, दिस इज द मील। इसमें है 50 ग्राम ओट्स, 20 ग्राम म्यूजली, 2 स्कूप्स ऑफ प्रोटीन। अभी मेरा प्रोटीन जो इनटेक है दैट इज 200 ग्राम, बिकॉज ऑब्वियसली बॉडी वेट भी 100 के अराउंड है, तो 200 ग्राम चाहिए। और कॉम्पिटिशन खेलने जा रहे हैं तो कोई भी ऐसे नहीं रहता। एंड उसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, आलमंड्स है, काजू है, और उसके साथ मिल्क है और पीनट बटर है, ठीक है? और हेलो बोलो, हेलो 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 बोलो। शी क्लीन्स द हाउस फॉर अस, और बहुत ही प्यारी है। और यहाँ पे वीडियो की एडिटिंग चल रही है, इसका भी मैं काम थोड़ा बहुत देखता हूँ। इन्फॉर्मेशनल वीडियो की भी एक रिक्वायरमेंट है, ऑडियंस है, क्योंकि हर साल नए लोग आते हैं फिटनेस में, उनको भी जेन्युइन नॉलेज देना ज़रूरी है। और मेरे को लगता है कि मैं अच्छी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ बनाता हूँ, जितने मेरी नॉलेज है उसको मैं सही से पुट थ्रू कर पाता हूँ, मैं बात सही से करता हूँ। तो इसके लिए इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ आर बैक, और ठीक है बीच बीच में, और बाकी जिम की तो आते रहेंगी। सो या, तो ये फर्स्ट मील ऑफ द डे है। 2 स्कूप प्रोटीन मतलब 50 ग्राम प्रोटीन, ड्राई फ्रूट्स के अराउंड 10-12 ग्राम बन रहे थे, मिल्क वगैरह, पीनट बटर, सब कुछ लेके इट्स अराउंड 70-75 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो 70 ग्राम प्रोटीन फर्स्ट मील ऑफ द डे से ही हो जाता है। इसको बनाने में लिटरली 5 मिनट लगे हैं और बहुत टेस्टी लगता है, तो इसको कंज्यूम करते हैं। सेकेंड मील ऑफ द डे जो है वो एक प्रॉपर जिम ब्रो मील है, बॉडी बिल्डिंग स्टाइल। बट ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है कि पावर लिफ्टर्स तो बहुत खाते होंगे ये वगैरह, बट मेरा कभी ऐसा गोल नहीं रहा है। मैं अभी बिल्कुल प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉलो कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है ये 3 महीने कितने इंपॉर्टेंट है। कितने सारे लोग 20% तो हेट डाउट, उनको भी आंसर देना है, और जो 70-80% लोग जो सपोर्ट करते हैं, जो बिलीव करते हैं, उनको भी दिखाना है कि आपका जो सपोर्ट है वो सही है। बिकॉज मैंने एक चीज़ देखी है कि अरे 300 स्क्वाट कैसे मारेगा, अभी तो 280 पे है, 20 kg स्क्वाट कैसे बढ़ती है। कभी आपने पावर लिफ्टिंग प्रोग्राम फॉलो ही नहीं करी है सही से, कभी आपने हफ्ते में 3 बार स्क्वाट करी है, हर दिन 4-4 सेट कर रहा हूँ, तो अब करके तो देखो। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, मेडल बात करेंगे, मेडल से बात करेंगे। तो सेकंड जो मील है दैट इज ओनली 250 ग्राम ऑफ चिकन एंड चावल, 250 ग्राम, सिंपल मील, बॉडी बिल्डिंग, कुछ भी नहीं ऐड है। एंड जिम जाने से पहले, जस्ट जिम एंटर करने से पहले, जिम बैग में मैं एक केला रखता हूँ एंड ग्लूकोन डी अराउंड 20 ग्राम कंज्यूम करता हूँ सेशन को स्टार्ट करने से पहले। तो एक केला, डिपेंड करता है, अगर कोई बहुत बड़ा सेशन है, जैसे आज सिर्फ बेंच एंड अपर बॉडी बिल्डिंग वर्क है, अपर बॉडी डे इजी होता है, जनरली स्क्वाट डेडलिफ्ट जिस दिन होती है उस दिन मैं 2-3 केले भी खा लेता हूँ वर्कआउट के टाइम पे बीच बीच में, और ग्लूकोन डी ज़्यादा पी लेता हूँ। लेकिन अभी आज लाइट सेशन है, तो अभी यही सबसे इंपॉर्टेंट मील है। इसको खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद मैं अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ। तो प्री वर्कआउट मील खाते ही ट्रेनिंग मत स्टार्ट करो, एटलीस्ट 2-2.5 घंटे का गैप रखो, ठीक है? अब मिलेंगे जिम के बाद। अभी मैं जिम जा रहा हूँ अराउंड 3:30, और मेरा सेशन आज अपर बॉडी है तो करीब 2 घंटे लेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जिम में कितना टाइम लगता है, तो जिस दिन अपर बॉडी है, बेंच है और अपर बॉडी है, 2 घंटे, जिस दिन स्क्वाट एंड डेडलिफ्ट है 3-3.5 घंटे भी लग जाते हैं। ऑल्सो गाइज, एक चीज़ जो सारे लोग पूछते हैं कि प्रोटीन आप अभी कौन सा यूज़ कर रहे हो, सो मैं यूज़ कर रहा हूँ मसल बेस का बायोजाइम परफॉर्मेंस वे PR। ये अभी अभी नया लॉन्च हुआ है एंड ये चॉकलेट फज फ्लेवर है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो इस प्रोटीन की सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें एक एनहांस अब्जॉर्प्शन फॉर्मूला है, जहाँ पे यहाँ पे मेंशन है, जिससे कि 50% आपका जो प्रोटीन अब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक इंटरनेशनल पेटेंट अप्लाइड फॉर्मूलेशन है मसल बेस का, जिससे कि ये डाइजेशन में ज़्यादा अच्छा है, इसका न्यूट्रिएंट ज़्यादा अच्छे से आपकी में अब्सॉर्ब हो पाता है। उसके साथ साथ 30 ग्राम प्रोटीन है पर स्कूप, 30 ग्राम, 24-25 नहीं, 30 ग्राम।
उसके साथ साथ इसमें 3 ग्राम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, तो आपको क्रिएटिन ऑब्वियसली अलग से यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप 1.5-2 स्कूप इसको यूज कर रहे हो, क्योंकि इसमें आपको ऑलरेडी 5-6 ग्राम क्रिएटिन मिल जाएगा। और क्रिएटिन से क्या होता है, स्ट्रेंथ मसल मास इंप्रूव होता है। उसके साथ साथ इसमें 50 mg एस्ट्रोजन है, तो ये 50 mg एस्ट्रोजन है ना गट बैक्टीरिया को बढ़ाता है, न्यूट्रिएंट अब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है, आपका जो इम्यून सिस्टम है अंदर में न्यूट्रिएंट्स का अब्सॉर्प्शन है वो बेटर होता है। तो ये तीनों इसकी खासियत हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोटीन है, इसका मिक्सेबिलिटी टेस्ट वगैरह बहुत ही अच्छा है। मैं इसको अभी करीब करीब 20-25 दिन से यूज कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी बहुत ही अच्छा प्रोटीन है, यूज करके देखना आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, मेरा कूपन कोड सिंघा30 है, आप मसल बेस से कुछ भी खरीदते हो कोड लगा के डिस्काउंट ले सकते हो, तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां से इसको जरूर ट्राई कर लेना। ऑल्सो जिम जाने से पहले मैं अपनी एसेंशियल जो सप्लीमेंट्स है वो ले लेता हूँ। तो मैंने सबसे पहले क्रिएटिन बना लिया है पानी में, जिम जाने से पहले, जिम जाने के बाद कभी भी ले सकते हो, ठीक है, मैं जिम से पहले लेता हूँ। उसके साथ साथ मैं अपने एसेंशियल जो मल्टीविटामिन है, फिश ऑयल है, जिंक है, कैल्शियम है, ये सारी भी टैबलेट जो है वो मैं ले लेता हूँ। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये लेने में कोई खराबी है, बिल्कुल ही नॉर्मल चीज़ है, डॉक्टर से भी बात करोगे वो बोलेंगे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आजकल तो देखना विटामिन डी ओमेगा काफ़ी सारे डॉक्टर्स पेशेंट को सजेस्ट करते हैं बिकॉज उनमें डेफिशिएंसी होती है। तो गाइज हम तैयार हो चुके हैं जिम जाने के लिए, और ये एक चीज़ है जो बैग में किसी भी जिम बैग में नहीं आती, बेल्ट, तो उसको हाथ में ही कैरी करना पड़ता है। और ये जो सॉक्स हैं प्रॉब्ली आपने देख लिया होगा, ये मेरे मर्च में है, तो आपको अगर यूनिक सॉक्स पहन के जिम जाना है, क्वालिटी टॉप नॉच है एंड ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। तो जैसे यूनिक कैसे हैं, जैसे अगर आपका लेग डे है तो यहाँ पे टेक्स्ट है लेग डे, एंड उसके साथ अगर आपका पीआर डे है तो पीआर डे, सारे जिम को पता होना चाहिए, ठीक है। और जो लास्ट है वो कम करना थोड़ा, वो है चीट डे, सैटरडे नाइट के लिए, सैटरडे को आफ्टर वर्कआउट चीट डे, ठीक है। तो बहुत हाई क्वालिटी सॉक्स और यूनिक है थोड़े, तो इसको ट्राई करना है ना, ठीक है। अब मैं इसको कैरी करता हूँ, लेट्स गो। तो जिम के बाद 2 चपाती है और उसके साथ 4 अंडे की भुर्जी है, इसमें 1 येलो यूज किया है, ओनली 1 येलो, 1 केला और 1 स्कूप मैं अपना प्रोटीन का कंज्यूम करूंगा। तो ये अभी मैं 7 के अराउंड ले रहा हूँ, 7 बजे के अराउंड, और जो लास्ट मील होगा वो 10 के अराउंड होगा, 9:30-10। तो अभी मेरे को लगता है आपको देख के लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे को एक वेट कंपटीशन कैटेगरी में फिल करना है और मैं एक गोल के लिए काम कर रहा हूँ, पावर लिफ्टिंग के लिए, स्ट्रेंथ के लिए काम कर रहा हूँ। ये स्ट्रेंथ फोकस्ड मील प्लान है, ये स्ट्रेंथ फोकस्ड डाइट प्लान है। और एक चीज़ मेरे को एड्रेस करनी थी, मेरे को बहुत सारे लोगों का ना ये वाला एक्सक्यूज़ बड़ा लगता है, यार मेरे पे तो पैसे ही नहीं है, इस पे बड़े पैसे हैं। तो यार मेरी पुरानी वीडियो जाके देख लो, आपको पता चल जाएगा मेरे पे कितने पैसे हैं। वही 4 कपड़े मैं पहनता था रिपीट करके पूरे साल, वही एक फटा हुआ जूता 2 साल तक कैरी किया, सिलवाया कम से कम 6 बार। तो किसी के पास पैसे ऑब्वियसली किसी के पास होते ही है यार, अब वो ब्लेस्ड है तो उनको पैसे मिले, बट ब्लेस्ड भी क्या यार, तुम अपने दम पे पैसा कमाओगे उसकी फीलिंग अलग है। अगर तुम पे अभी 1500 है ना तो तुम 1500 में ही बॉडी बनाओ, होता है भाई 500 रुपए का भी जिम मिल जाता है, किया है मैंने 300-350 वाले में भी। पैसे का एक्सक्यूज मत दो, मेहनत करो, अपने फैमिली से मांग के मत करो, खुद से अर्न करने लगोगे तो ज्यादा पैसा लगाना, बट अभी घर वाले जितना दे रहे हैं 1000-1200-1500 दे तो दे ही देंगे। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो इंटरनेट डला के तो 1000 रुपए घर से भी मिल सकते हैं डाइट के लिए, ठीक है भाई। तो अभी मिलेंगे हम डिनर में। सो गाइज अभी टाइम हो गया डिनर का, लास्ट मील ऑफ द डे, ये होता है अराउंड रात के 9:30-10। और अभी बहुत ज़्यादा मतलब एक चीज़ सबसे ज़्यादा बड़ा चेंज है, मेरे को लगता है कि पिछले जब भी मैंने कॉम्पिटिशन्स खेले हैं पावरलिफ्टिंग के और ये वाला, उसमें है नींद का फर्क कि मैं टाइम से सो रहा हूँ, 8-9 घंटे की पूरी नींद मिल रही है। तो उससे पता है बहुत ज़्यादा फर्क पता चला है, मतलब पहले मैं 6.5 आवर्स सो रहा था, अभी 8-9 घंटे सो रहा हूँ क्योंकि पूरी लाइफ ही इसको ही डेडिकेटेड है। तो फर्क पता है क्या चला है कि बॉडी रिकवर हो जा रही है, अगला सेशन अच्छा जा रहा है, उसका अगला सेशन अच्छा जा रहा है, हफ्ते में 2-3 दिन हैवी लोड ले पा रहा हूँ, फुल्ली रिकवर्ड फील कर रहा हूँ। तो स्लीप को हमेशा प्रायोरिटाइज करो, बहुत बड़ा चेंज आएगा। मतलब जिस दिन आपकी स्लीप खराब होगी उसके अगले दिन ट्रेनिंग खराब होती है, ऐसा होता है, अक्सर होता है। तो फ्लेक्स नहीं है, मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ एक फ्लेक्स देते हैं लोग कि कम स्लीप में पीआर मार दी, क्यों कम स्लीप ली, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टाइम पे सोना, फोन छोड़ना कैसे भी करके, अपने आपको फोर्स करके सोना और टाइम छोड़ना और एक ही टाइम पर ट्रेनिंग करना, टाइम टू स्लीप स्लीप, टाइम टू ट्रेन ट्रेन, टाइम टू ईट ईट, आपको पता होना चाहिए हर चीज़ का टाइम और उसी टाइम पे सब चीज़ें करनी है। लास्ट मील 2 रोटी, 250 ग्राम चिकन, ये बिल्कुल लाइक हल्का सा सीजनड है, मैरिनेटेड है और इसमें कुछ भी ज़्यादा मसाले वसाले नहीं है, आपको देख के भी लगेगा एकदम है ना रॉ है। और उसके साथ भिंडी, किस किस की भिंडी फेवरेट है ये बताओ, मेरी तो फेवरेट है सब्जी में, ग्रीन वेजिटेबल्स में। और उसके साथ ये है हरी दाल। तो यही है डिनर, सिंपल है। अभी मैं कहीं बाहर नहीं खाता, खा भी नहीं सकते, कंपटीशन अलग जोन अलग पागलपन है, 3-3.5 महीने रहते हैं, जीतना है और जीत के किसी को प्रूफ नहीं करना, जीत को बस यार
मान लो ये मेरा घर रहेगा आगे चल के, एंड लाइक मेरा बच्चा है एंड ही विल सी कि उसके पापा ने यहाँ एशियन मेडल जीता हुआ है, वो रेस्पेक्ट करेगा मेरी। तो बस आप रेस्पेक्ट के लिए कर रहे हो, ना मुझे कोई पैसा मिल रहा, ना मुझे, आप लोग मेरे को रेस्पेक्ट करने लगोगे कि यार सिंघा कहाँ से था और आज एशियन मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडल देश के लिए लेके आया। वो रेस्पेक्ट के लिए कर रहा हूँ, ना मेरे को पैसे ना मेरे को व्यूज़ ऐसा कुछ मिलने वाला है नहीं, मैं ही पैसे लगा के जाऊँगा, मेरे ही लगेंगे अराउंड 2.5-3 लाख। तो इट्स ऑल अबाउट रेस्पेक्ट जो आपसे मिलेगी, घर वालों से मिलेगी। जो मर्द होता है ना वो रेस्पेक्ट के लिए ही जीता है, इसकी लोग इज्जत करें। सो गाइस, दिस वाज द फुल डे ऑफ ईटिंग। मेरे को बड़ा ऑनर्ड फील होता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि इतने सारे लोग इंस्पायर होते हैं, और मेरे को ये भी अच्छा लगता है कि आज मेरे पे पैसे हैं कि मैं इतना चीज़ अफोर्ड कर रहा हूँ। दिन के 2.5 स्कूप 3 स्कूप कभी कभी प्रोटीन पी सकता हूँ, क्रिएटिन, फिश ऑयल, मल्टीविटामिन, सारे सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले नहीं था, अराउंड 4-5 साल पहले जब यूट्यूब नहीं था तो मैं बस एक रॉ प्रोटीन लेता था। बंदों को पता है मेरी जर्नी, मैं एक रॉ प्रोटीन खाता था और मुश्किल से कभी कभी फिश ऑयल ले ली, मुश्किल से दिन के 5 अंडे खा लिए, बजट नहीं था चिकन का, तो बजट नहीं था, कभी हफ्ते में 1-2 बार चिकन खा ली। तो वहां से शुरू किया, ऐसा मत सोचना कि सब मिला हुआ था मेरे को, मेहनत करके पाया। तो इसको खाते हैं, एंड वी विल स्लीप बाय 11:30-12 एनी हाउ, ठीक है। अभी आपको बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियो मिलने वाली है, सारे PR मारूंगा, 325 डेडलिफ्ट करके जाऊंगा, ठीक है। मेहनत करते रहना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। Love you all, bye. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement.